हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए खुशबू रसोई की चैनल को और बेल आइकन को दबाएं डिलीशियस एंड टेस्टी रेसिपीज सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू माय चैनल खुशबू रसोई की। दोस्तों, आज हम नवरात्रि स्पेशल साबुदाना वड़े बनाएंगे। ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और बड़ी ही आसानी से बन जाते हैं। तो आए साबुदाना वड़े बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए मैश किए हुए आलू, साबुदाना, हरा धनिया, सेंगदाना, जीरा, हरी मिर्च और नमक। साबुदाना वड़े बनाने के लिए मैंने मीडियम साइज का साबुदाना लिया है। साबुदाने को हमने 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रखें, फिर पानी से निकाल लें। हमने पानी को अच्छे से निकाल लेना है। अब एक बाउल लेंगे और इसमें साबुदाना डालें, मैश किए हुए आलू, बारीक पिसा हुआ सेंगदाना, जीरा, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, सादा वाला नमक। हम व्रत के लिए बना रहे हैं तो हमने सादा नमक डाला है। हरा धनिया बारीक कटा हुआ, सारी चीजों को अच्छे से मिला लें। एक डो बना ले इन सब का। मैंने मीडियम साइज के साबुदाने लिए हैं। वैसे बड़े साबुदाने भी होते हैं और इनसे बारीक साबुदाने भी होते हैं, पर साबुदाना वड़ा बनाने के लिए सबसे अच्छा ये मीडियम साइज का ही होता है। ये देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और एक इसका एक हम डो बना लेंगे। अब हम वड़े बनाते हैं। इसके लिए हम थोड़ा डो हाथ से गोल करेंगे, अपनी पसंद के अनुसार थोड़ा बड़ा या छोटा, जैसे आप चाहे वैसे आप बना सकते हैं। हमने मीडियम साइज के बनाए हैं। इससे हमने हाथों से चपटा करके और एक वड़े की शेप देंगे। इस तरह से हमने सारे वड़े तैयार करेंगे। वड़े तलने के लिए हमने तेल को गरम कर लिया है। अब हम वड़े डालेंगे। ध्यान रहे, तेल हमने अच्छे से गरम कर लेना है, इससे वड़े अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तेल अगर ज्यादा गरम नहीं हुआ तो वड़े अपने आप तेल ज्यादा ऑब्जर्व कर लेंगे। वड़ों को दोनों ओर से अच्छी तरह से फ्राई करना है। गोल्डन ब्राउन होने तक वड़े अच्छे से सीक कर गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। ये देखिए, ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। सारे वड़े हमने इसी तरह से फ्राई कर लिए हैं। सारे वड़े बनकर तैयार हैं और बहुत ही अच्छे बने हैं। ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम मुलायम। साबुदाना वड़े को आप दही के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप मेरे इस वीडियो को नोट करें और आप ये वड़े नवरात्रि के समय बनाएं और खाएं और खुश रहें और अपना ध्यान रखें और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।